को फिर क्या मतलब दुनिया से डर जाना हो। नमस्कार दोस्तों, क्या इस तरह के वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन से तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको दोस्तों वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो भी फोटो इमेज जो भी इस्तेमाल करूँगा वीडियो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको कैन मास्टर प्रो लिंक दे चुका हूँ, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कैन मास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐसे इंटरफेस आपको सामने मिलेगा। सबसे पहले आपको प्लस के आइकन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, वन बाय वन लेना है, जो इस पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करने के बाद मीडिया आप क्लिक करना है। अब जिस फ़ोटो से वीडियो बनाना चाहते हैं सबसे पहले ये फ़ोटो ले लें, मैं एक एक करके ले लेता हूँ। मीडिया आप क्लिक करके ले लेना है आपको सीधा डायरेक्ट, एक एक करके ले लेना है आपको। लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज पे क्लिक करना है। अकेची बल में बॉक्स बनाए इस पर क्लिक कर लेना आपको। क्लिक करने के बाद दो टू फिंगर से मतलब इस यहाँ इस तरह से आपको जूम इन कम करना है। ऐसे जूम इन कम करके इस पर ऑप्शन क्लिक करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद दूसरा इमेज पर क्लिक करना है। अगर सेटअप आपको सही लग रहा है तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर डन करके सेव कर दे। सेव करने के बाद दूसरा इमेज पर क्लिक करना है। अगर सेटअप वो भी सही लग रहा है आपको तो सिंपल जाके यहाँ पर डन कर दे। देने के बाद दूसरा इमेज पे सेम तरह से ऐसे ही आपको एक एक करके सभी इमेज पे कर लेना है। करने के बाद क्या करना है, इमेज का साइज़ को छोटा कर लेना है इस तरह से। साइज को छोटा करने के बाद क्या करना है दोस्तों, इमेज पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी यहाँ पर आपको फंक्शन आपको शो नहीं कर रहा है, मतलब पहली बार अगर कैन मास्टर आप डाउनलोड करिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, दो तीन ही ऑप्शन मिलेगा। तो अगर ये ऑप्शन आपको डाउनलोड कर लेना है, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सेम चीज़ ये नाम देख ले, डाउनलोड करने के बाद इस सब बॉक्स पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट डाटा ऑन करके। सॉरी मेरा डाटा अभी सोलो है, इस वजह से मतलब डाटा बंद करके रखा हूँ। इसके बाद क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दूसरा इमेज पर क्लिक करना है, सेम इस पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन क्लिक कर फिर दूसरा नंबर पर क्लिक कर लेना है। एक एक करके सभी पे सेम चीज़ करना है। सभी पे ऐड कर लेना है इस तरह से। ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस बॉक्स में जो बीच इमेज का बीच में जो व्हाइट कलर का बॉक्स बना है इस पर क्लिक करना है। सेम चीज़ इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं करा होगा, पहले ही बता रहा हूँ आपको, डाउनलोड कर लेना है। तो क्या डाउनलोड करें, कौन सा ऑप्शन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ये ऑप्शन को आपको डाउनलोड कर लेना है। सेम चीज़ यहाँ पे देख लेना, ये ऑप्शन को डाउनलोड करना है, इस ऑप्शन क्लिक करना है, फिर दूसरा बॉक्स पर क्लिक करना है आपको, दूसरा बॉक्स कर क्लिक, फिर दोबारा इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, दूसरा नंबर पर क्लिक करना है, फिर दूसरा बॉक्स पर क्लिक करना है। ऐसे करके ऐसे सेम चीज़ आपको कर लेना है। करने के बाद जितना इमेज का आप वीडियो बनाना चाहते हैं सेम चीज़ बना सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि मैं इतना तीन ही लिया हूँ तो चार ही लिया हूँ तो आपको इतना ही लेना है। इसके बाद सिंपल क्या करना है, वीडियो प्ले करके देख लेते एक बार। इसके बाद क्या करना है, वीडियो की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, फिर ये ऑप्शन क्लिक करके वीडियो का आपको सेव कर लेना है। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, वीडियो जितना लंबा रहेगा उतना टाइम लगेगा दोस्तों। इसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको प्लस के आइकन पर दोबारा क्लिक करना है और 16:9 लेना है, इस पहला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना आपको। क्लिक करने के बाद मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ से कोई भी कलर बैकग्राउंड ले ले। इसके बाद जितना साइज़ का वीडियो है आपको इतना साइज़ बड़ा कर लें। इसके बाद क्या करना है, लेआउट में जाना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल जो इस इमेज को मैं लिख दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डाउनलोड कर लेना है। इमेज पे क्लिक करना है, जो कैचअप बॉक्स में इस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद सिंपल इस साइज को इस तरह से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इमेज पे लेआउट पर क्लिक करना है, फिर मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद इस इमेज के डिस्क्रिप्शन इस इमेज के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना है, देख लेना इमेज है। इसके बाद क्या करना है,
सेम चीज़ को भी फुल स्क्रीन कर देना है आपको। फुल स्क्रीन करने के बाद इमेज पे सबसे नीचे जाना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको लेट में जाना है, फिर मीडियम में जाना है। मीडियम में जाने के बाद क्या करना है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद नीचे जाना है, क्रोमा की क्लिक करना है, सेम चीज़ ओपन कर देना है। यहाँ पर हरा कलर नहीं है तो हरा कलर आप सेलेक्ट कर ले, ऑलरेडी मेरा था इसलिए मैंने लिया। इसके बाद क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ध्यान से दोस्तों, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सॉरी थ्री डॉट पर क्लिक करना है, क्या हो रहा है, थ्री डॉट पर क्लिक करके सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, फिर लेफ्ट में जाना है, फिर मीडियम में जाना है। मीडियम में जाने के बाद क्या करना है, हमें जो वीडियो अभी एडिट किए थे जस्ट, किधर गया एक मिनट दोस्तों, अभी जो हम वीडियो एडिट करे थे, ये रहा वीडियो जो हमें अभी जस्ट बनाए थे इससे पहले, ये वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करना है, इसको जूम इन कर लेना है इस तरह से। जूम इन करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, फिर लेआउट पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है। इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो लेने के बाद सिंपल ऐसे जूम इन करना है, जूम इन करने के बाद यहाँ ऑप्शन पे लाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको मैनेज करना है यहाँ से इस तरह से, इसको जूम इन बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद यहाँ पे लाना है, नेम जो लिखा है यहाँ पे इस सेम चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट पे लाना है और जूम इन कर लें। यहाँ पे लाने के बाद इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद दोस्तों क्या करना है, लेट में जाना है, फिर मीडियम में जाना है। मीडियम में जाने के बाद इस इमेज के लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फुल स्क्रीन उसको भी कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद सिंपल इसको बड़ा कर दे। बड़ा करने के बाद एक बार वीडियो प्ले करके देख लेते दोस्तों, जो म्यूजिक है इसको पहले हम ऑफ कर लें। जितने भी वीडियो है सभी, जितने भी वीडियो हम इस्तेमाल करते हैं सभी को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद न्यू म्यूजिक यहाँ पर ले लेना, जो भी गाना आपको पसंद आता है सबसे पहले ले ले। मैं एक गाना ले लेता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं। प्यार किया तो फिर क्या मतलब दुनिया। देखो आप सोशल साइड के बीच में जो कलरफुल है दोस्तों, कमाल की वीडियो मतलब लग रहा है देखने में। अगर चाहते दोस्तों जो इमेज है देखा देता हूँ, जो सोशल साइड वाला जो पहला इमेज है ये देख लेना, जो मेन हेडर की इमेज है इस पर क्लिक करके आप चाहते हैं तो कलर भी यहाँ से ऑप्शन क्लिक करके कोई ऑल कलर चूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं वाइट कलर में रखा हूँ तो अब रेड करना चाहते हैं रेड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कोई भी कलर कर सकते हैं। प्यार किया तो ये सबसे प्यार किया तो फिर क्या मतलब दुनिया से। इसके बाद करेंगे दोस्तों तीर का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, वीडियो भी क्लिक करना है, अब वीडियो को आपको सेव कर लेना है। दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों यार, मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना है।